हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं खास जगह और आप लोग प्लीज वीडियो नहीं बने रहिए, स्किप मत करिएगा। और आज हम जा रहे हैं हमारे जो अंकल चूल्हा जज हैं उनके यहाँ, हम लोग जा रहे हैं उनके यहाँ। भागवत बैठा है तो आज हम जा रहे हैं वही। अभी थोड़ा सा, जैसा कि आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो अभी थोड़ा सा आराम है उनको, तो वो रेस्ट कर रही हैं, तो खाने की तैयारी कर रही हैं। आएंगे तो फिर रोटी बनाना है, सब चीज़ बना दी हूँ, आएंगे तो रोटी बना लेंगे। तो चलिए वहाँ भी मिलते हैं हम लोग। और देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये वाली साड़ी पहनी है। आज थर्सडे था तो मैंने सोचा, और भगवान विष्णु का पूजा हो रहा है तो मैंने सोचा कि चलो येलो येलो पहन लेते हैं, तो ये वाली साड़ी मैं पहन ली हूँ। तो चलिए आगे मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं जज कॉलोनी में और इनका आवास है डिस्ट्रिक्ट जज का। तो देखिए यहाँ मतलब उनका लगा है, नाम लिखा हुआ है और यहाँ देखिए प्रवचन शुरू हो गया है। हम लोग अब शामिल होते हैं और आप लोग भी पूरा प्रवचन का एंजॉय करिए। भागवत बहुत भाग्य से मिलता है सुनने को फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए इस तरीके से कुछ डेकोरेशन हुआ है। मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ और आप लोग थोड़ा सा इंजॉय करिए, फिर मैं आप लोगों से मिलवाऊँगी डिस्ट्रिक्ट जज से। लास्ट में मैं मतलब मिलवाऊँगी आप लोगों से और फिर अभी यहाँ भी दिखाऊँगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करिए, फुल वॉच करिए। ये हैं देखिए हमारे बगल सामने बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट जज और उनके हस्बैंड सर हैं, मैडम और सर बैठे हुए हैं ये लोग। और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ना, ज़मीन पे बैठ के लोग प्रवचन सुन रहे हैं, ना सोफा ना चेयर कुछ भी नहीं। अच्छा, और ये हमारे पीछे जो हैं सब ये भी अधिकारी लोग हैं, मतलब अधिकारी कुछ हैं इसमें से, कुछ अधिकारी लोगों की मैडम लोग हैं, मतलब वाइफ हैं। तो ये सब जो हैं हमारे यहाँ के सब जो ऑफिसर हैं, अधिकारी मिसेस हैं और कुछ इसमें से ऑफिसर भी हैं, मतलब अधिकारी पोस्ट पर हैं ये लोग हैं। देखिए बहुत ही अच्छे सब अच्छे से हमारे साथ निकलवाई हैं और सेल्फी भी खींची है और क्या बताओ वीडियो भी हम लोगों इन लोगों का बनाया है। चलिए आप लोग एंजॉय करिए। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एकदम मस्त हैं सब भगवान के नाम सुनने में, भजन सुनने में। तो प्रवचन भी बोल रहे थे लेकिन उसका मैं वीडियो नहीं शूट की हूँ, और यहाँ मैं थोड़ा सा जो भी भगवान के भजन हो रहे हैं उसे सब मैं सुन शूट की हूँ वीडियो में। तो यहाँ देखिए सब मस्त हैं एकदम सुनने में, कुछ भी आप लोग इन्जॉय करिए। और यहाँ देखिए पीछे हाई सोसाइटी के लोग हैं यार, एकदम लोगों सामने मैं वीडियो कैसे शूट कर रही थी मैं ही जान रही हूँ।
हमने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए, अभी आगे और भी हमें दिखाना है बहुत कुछ। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिए, अभी इंटरेस्टिंग चीज़ तो लास्ट में है, तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए लास्ट तक। और यहाँ देखिए जो है इधर आवास है और इनकी बेटी है, ये मैडम की बेटी है, ये भी LLB कर रही है दिल्ली से। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए कृष्ण और सुदामा का आज मिलन है, सातवें दिन कृष्ण और सुदामा का मिलन होता है। तो यहाँ देखिए कृष्ण और रुक्मणी जो है सुदामा मतलब पग धुल रही हैं। यहाँ ये सब देखते रहिए आप लोग, प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए, अभी आगे और कुछ दिखाना है। भगवान ने मार्ग को कम कर दिया गोमती नदी का, सुदामा जी ने पार किया गोमती नदी को, और पार करने के बाद भगवान ने स्वयं पार किया थोड़ी समय में। द्वारिका के नाथ हाथ जोरी धाए गहे पाए भेटते लपटाए कर ऐसे दुख साने को, नैन दो जल भरी पूछते कुशल हरी विप्र बोल्यो विपदा में मोहि पहचान। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान ने मार्ग को सूक्ष्म कर दिया, अजय सूक्ष्म मार्ग कर दिया, तो उस समय भगवान द्वारिकाधीश के दरबार में पहुंच करके सुदामा जी ने जो ही पूछा, भैया हमारे बचपन की सखा श्री कृष्ण का महल यही है, द्वारिकापुरी यही है। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए अब आरती शुरू हो गई है, जो समाप्त हो गया है, लास्ट में आरती हो रही है, फिर उसके बाद अभी भी आगे कुछ कराया जाएगा। आप लोग प्लीज वीडियो तक बने रहिए, तो पहले चलिए आरती हम कर लेते हैं। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापी से है तारती। भागवत भगवान आरती, पापियों को पापी से है तारती। दुख हरनी ये सुख करनी है, दुख हरनी ये सुख करनी है, दुख मधुसूदन की आरती। बोल सतखंड बोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, तिगड़ी को बनाने वाला है। मंगल बोल सतखंड बोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, तिगड़ी को बनाने वाला है। अब आरती के बाद फ्रेंड्स यहाँ खेला जा रहा है होली, और कृष्ण सुदामा के मिलन के बाद होली हो रही है। फिर अभी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी एंजॉय करते रहिए वीडियो में हमारे ब्लॉग में। चटक रंग धारो श्याम, चुनरी में पड़ गयो आगरी, चटक रंग धारो श्याम, चुनरी में पड़
फ्रेंड्स यहाँ देखिए बहुत लोग खाना खा के सब चले गए हैं और कुछ लोग बचे हैं, तो अभी हम भी वेट कर रहे थे क्योंकि मैम अभी खाना खा रही थी, तो सोचे कि मिल के तब जाते हैं। तो यहाँ देखिए लास्ट में कुछ लोग बचे हैं जो खास लोग हैं इनके, तो अभी कुछ लोग बचे हैं, कुछ लोग चले गए हैं। तो इधर देखिए साथ में इनके कुछ खा रहे हैं मैडम के और सर के साथ में, कुछ अधिकारी लोग हैं तो कुछ खाना पीना खा रहे हैं। तो चलिए अब और यहाँ हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैम यहाँ लेके आई हैं अंदर हमारे अपने आवास में, और इनका डाइनिंग रूम है और अपने गई हैं किसी काम से, तो यहाँ हम लोग बैठे थे और ये इनका आवास है। तो यहाँ देखिए मैम आई और हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं, तो ये बोली हम उसे थोड़ा सा फोटो भी ले ले और वीडियो भी शूट कर ली, बहुत ही प्यारी है। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए ये हमें मैडम ने कुछ गिफ्ट दिया है, ये देखिए कितना प्यारा बटुआ मिला है हमें, और ये देखिए इसमें कॉस्मेटिक का सामान पूरा, रुक्मणी का प्रसाद बोल के दी है कि रुक्मणी जी का प्रसाद है ये, तो इसमें पूरा कॉस्मेटिक का सामान है, और इसमें बिछुआ है, और इसमें इसमें चांदी का सिक्का है, और इसमें कंगन है। तो ये सब मतलब कि मैम का जो है प्यार दिख रहा था, इतना मना करने के बाद भी मतलब मानी नहीं, फिर भी दे दी, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लगा यार, क्या बताएं हम, इतना प्यार वो दी ना कि पूछिए मत, इतना बिजी होते हुए भी फिर भी हमें टाइम दी, बहुत ही अंदर से खुशी मिल रही थी कि हम लोग तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, लेकिन पता नहीं उनका नेचर ही ऐसा है कि पूछिए। तो गाइस देखिए अभी हम लोग आ चुके हैं और इस टाइम बज गए हैं 11:30, मतलब कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो वहाँ से हम लोग खाना पीना खा के आए हैं, और यहाँ लेट हो रहा था तो नीचे जो हमारे यहाँ रेंट पे भाभी रहती हैं उनसे हम बोल दिए थे, रोटी बना के सबको खिला दी थी, तो बहुत ज़्यादा। और यहाँ देखिए इतना मतलब रंग अबीर खेला गया ना कि पूरे कपड़े ख़राब हो गए, बाल भी ख़राब हो गए थे फिर, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मतलब कि अच्छा लगा वहाँ पर जाके। तो क्या बताएं फ्रेंड्स ना कि अभी तो अब आज तो बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया है, और कल अभी हम लोगों को सुबह फिर जाना है, और मैम जो हैं वो भी बहुत अच्छी थी, और सर भी बहुत मतलब बहुत ही अच्छे नेचर के थे, जितना मतलब तारीफ किया जाए ना उन लोगों का उतना कम है। लोग कहते हैं ना कि जितना मतलब कि जिसके पास अगर रहता है ना तो वो दिखाता नहीं है, तो उन लोगों का नेचर इतना प्यार मतलब इतना अच्छा है, एटीट्यूड नाम का, घमंड नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं था उन लोगों के अंदर, बहुत ही अच्छे नेचर के हैं। उनकी बेटी भी बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी थी, तो मतलब अच्छे एजुकेटेड से सब हैं, और बेटा नहीं आ पाया था, उसका एग्ज़ाम होने वाला है, वो बीटेक शायद कर रहा है, तो इस सब वजह से मतलब कि अभी हम कल सुबह फिर जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में उसका ब्लॉग शेयर करेंगे कि मतलब कि क्या होने वाला है। तो आज फ्रेंड्स हम यहीं